की शक्ति पर चर्चा चल रही है। एक व्यक्ति अपनी वाणी से अपने घर को नरक बना देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी वाणी से अपने घर को, बोलिए ना क्या बात, स्वर्ग का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब आपने अपने घर को नरक बनाया है या स्वर्ग बनाया है या मध्यलोक बनाया है, मध्यलोक का मतलब नरक भी है थोड़ा सा स्वर्ग भी है, अब क्या बनाया है ये आप देखिए। हैं, कोई और लड़ने को ना मिले तो अपने घर वालों ही से लड़ते रहते हैं, जिनको घर में लड़ने नहीं मिलता है समाज वालों से लड़ लेते हैं, जिनका ध्यान समाज की तरफ नहीं होता है वे नेतागिरी में चले जाते हैं, वहां लड़ लेते हैं। मगर लड़ना तो है, लड़े बिना जी नहीं सकते हैं। जब तक ज्ञान पूर्वक बुद्धि का विकास नहीं करेंगे तब तक निश्चित है कि बुद्धि हमेशा लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगी ही जाएगी। इस बुद्धि को संस्कारित करना अति आवश्यक है। लड़ने के लिए, ये लड़ाई सीखने के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं खुला है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी मम्मी पापा ने भी अपने बच्चों को झगड़ा करना सिखाया नहीं होगा, फिर भी देखो सारे के सारे कितने एक्सपर्ट हैं। कब किससे लड़ना है, क्या बोलना है लड़ने में, हमें, हम क्या बोलेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, कैसे, कितनी बुद्धि है, क्यों चल रही है हमारी बुद्धि यहां पर, क्योंकि हमने अभी तक अपनी बुद्धि को ज्ञान की तरफ नहीं ले गए हैं। इसलिए बुद्धि हमेशा की तरह ये हमेशा पतन की ओर ले जाती है, लड़ाई झगड़े में, अपमान में, व्यंग में, निंदा में, बुराई में, चुगली में ले जाती है। जिस वाणी से इंसान नरक बना लेता अपने घर को, अपनी समाज को, अपने देश को, वही वाणी जब एक मोटिवेटर के पास आती है तो वो सारी जगह शांति फैलाने के वचन बोलता है। मोटिवेटर क्या करते हैं, हाथ पांव से काम करते हैं क्या, किससे काम करते हैं, वाणी से काम करते हैं। वाणी कैसी है उनकी, ऐसी है कि लोग सुने तो सुनते रह जाए, नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, अब बिल्कुल ऐसे ही करना है। और जिस वाणी से लोग कलेश करके थाना पहुंच जाते हैं, कचहरी पहुंच जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वही उसी वाणी से मोटिवेटर पैसा कमा लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, किससे पैसा कमाया उन्होंने, वाणी से पैसा कमाया, अच्छा बोला, सही बात बोली, ज्ञान की बात बोली, भविष्य को अच्छा बनाने की बात बोली, जीवन को अच्छा बनाने की बात बोली, लड़ाई झगड़े कम करने की बात कही, मन को शांत रहने की बात कही, पैसा कमा लिया। और उसी वाणी से लड़ाई झगड़ा करके पति पत्नी क्या करते हैं बताइए, तलाक तक पहुंच जाते हैं। फिर तलाक की नौबत आती है तो फिर तो इतना चाहिए, पूरी डिमांड लिस्ट तैयार रहती, जितना दिया भी नहीं होगा उससे ज्यादा की लिस्ट तैयार रहती है। ये लड़ाई क्यों हुई, किसके कारण हुई, वाणी के कारण से। यदि अच्छी वाणी बोली होती तो प्रेम होता, बुरी वाली वाणी बोली है तो लड़ाई हुई है। जहां मोटिवेटर एक करने का काम कर देते हैं वाणी से बोलकर, वही इंसान अज्ञानता की वाणी बोलकर अलग होने का काम भी कर लेता है। वाणी एक ही है और जो शब्द है ना, शब्द का खा गा घा 12 खड़ी तो उतना ही है ना, जो बचपन में पढ़ी थी, जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें कौन से शब्द हैं, एक का खा गाई तो है, उसको मिला दिया तो जो भाव भरे वो शास्त्र बन गया, तुमने क्रोध भरा तो लड़ाई बन गई, उन्होंने प्रेरणा भरी तो मोटिवेटर बन गए। यही तो है ना, वाणी गई तो कमाल है सारी दुनिया में।
इसी तरह से कवि सम्मेलन करवाते हैं लोग। क्या करवाते हैं? कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में क्या होता है? किससे काम करते? डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जादू दिखाते हैं, क्या करते हैं? केवल बोलते ही तो हैं। और तुम इतने प्रसन्न हो जाते हो, इतने प्रसन्न हो जाते हो जब कवि सम्मेलन से उठ करके घर पहुंचते हो, ऐसा लगता है नया और एकदम ताजा ताजा महसूस होता है। वहीं लड़ लोगे तो भारी भारी महसूस होता है, वहीं कवि सम्मेलन के शब्द बोले गए तो वहां पर हल्का हल्का महसूस हुआ, मन प्रसन्न हो गया। जिस काखा गा से तुमने लड़ाई झगड़ा करे थे, उसी काखा गा से उनने तुम्हारा मन प्रसन्न कर दिया। और उसी वाणी से वो शब्दों को इकट्ठा करते हैं और शब्दों को इकट्ठा करके लाखों रुपए कमा लेते हैं। व्यापार हो जाता है, वाणी का व्यापार है। सारी दुनिया किस पे टिकी है? केवल वाणी पे टिकी है। कितना बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है। अब कवि सम्मेलन में कवि खड़ा है माइक पर और वो उल्टी सीधी बात बोलने लगे तो क्या सुनेंगे आप? नहीं सुन रहे? हमारा घर ही बहुत है, हमारे घर में इतनी उल्टी सीधी बातें होती हैं। तुम भी यही सुनाओगे तो तुम्हें काहे के पैसे देंगे? नहीं, अच्छा सुनाओ। एक कवि सम्मेलन में एक जगह एक कवि कुछ आए कुछ नहीं आए तो मंच पे जो और लोग बैठे थे उसको खड़ा कर दिया, भाई तुम खड़े हो जाओ। बोले नहीं नहीं मैं कवि नहीं हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आप मंच पे बैठे हो, आप कवि हो। अरे बोलो कुछ तो बोलो। बोले आपको 1000 रुपया देंगे, आप खड़े हो, कुछ तो बोलो माइक पे। अब बेचारा उसको जबरदस्ती खड़ा कर दिया, अब कवि तो था नहीं। अब वो बोला मेरे घर के सामने एक एक गली है, एक एक गली में दूसरी गली है, दूसरी गली में बोलो और तीसरी गली में आगे बोलो, आगे आप बोलो, चौथी गली है और चौथी गली में पांचवी गली है और पांचवी गली में छठवीं गली है। अब वो लोग हैं, ये घर क्या रहा है? अब पीछे से लोगों ने कुर्ता पकड़ के खींचा, बोले बैठ जा। बोले नहीं, पूरी 365 गलियां सुनाऊंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा मैं, तुमने खड़ा जबरदस्ती किया है तो पूरे 365 गलियां सुनाऊंगा। बोले अरे बैठ जा बैठ जा। बोले खड़े होने के 1000 तो बैठने के 2000। कमाल देखो आप, पैसा कैसे कमाया जाता है। मात्र बोलने से कुछ नहीं आता था, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो खड़े होने के भी पैसा और बैठने के भी पैसा। यानी इंसान यदि दिमाग से जिंदगी जिए, यदि सोच विचार की और समझ की जिंदगी जिए तो वो देखने से पैसा कमा लेता है, वो सुनने से पैसा कमा लेता है, वो बोलने से पैसा कमा लेता है। उसके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वो कोई व्यापार नहीं करता है, लेकिन यदि इंसान के अंदर शक्ति हो तो बोलने से भी पैसा कमा सकता है, देखने से भी पैसा कमा सकता है। ये दिमाग की जिंदगी जीनी है। और संसार में दिमाग को तो इंसान एक तरफ रख देता है और दिल से जीता है, जो मन में आया सो बोल दिया, क्योंकि दिल बहता हुआ है, भावुक है। दिल कैसा है? भावुक है। भावुक हुआ तो सब ले लो, भावुक हुआ तो लड़ लो, भावुक हुआ तो अभिमान कर लो, ये भावुक व्यक्ति की निशानी है। लेकिन कब हमें क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कैसे हमें क्या काम करना, ये दिमाग का काम है। और महिलाएं ज्यादातर दिल से जीती हैं, इसलिए बेचारी दुखी बहुत रहती हैं। नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही हो। और पुरुष ज्यादातर दिमाग से जीते हैं, दोनों ही में दिक्कत है। जब दिल और दिमाग टकराता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। जहां दिल लगाना चाहिए था वहां दिमाग लगा देते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए था वहां दिल लगा देते हैं, इसलिए मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। अब आजकल लड़कियां जो हैं भावुक बहुत होती हैं लड़कियां, और जब भावुक होती हैं और दिल से जीती हैं तो दिमाग बेचारा एक तरफ रखा रह जाता है। अब मामला आजकल दिल का ज्यादा चल रहा है संसार में, तो जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो उन्हें जो आजकल समाज और गैर समाज में जो शादी के संबंध चल रहे हैं ये दिमाग के नहीं है, ये दिल के हैं।
दिल से यदि करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है, और दिमाग से करें मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यदि इस बात का विचार करके करें तो वो कभी गलत कदम उठाने वाली नहीं है। लेकिन दिल कहता नहीं, शादी करनी है तो इसी से करनी है, जीना है तो इसी के साथ, मरना है तो इसी के साथ। चलो, घर वालों ने बहुत समझाया, नहीं मानी लड़की, कर दी शादी, शादी हो गई। ऐसे बहुत सारे केस आए मेरे पास, बहुत सारे लोग आए मेरे पास, बहुत सारी लड़कियां आई मेरे पास। अब शादी हो गई, अब 6 महीने के अंदर वापिस घर, रिटर्न बैक टू पवेलियन आ जाओ। अब क्या बात है, मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। अच्छा, पहले तो मैं ही जाऊंगी उसके घर, अब मैं नहीं जाऊंगी उसके घर, ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। पहले तो तू उसके बिना रहने तैयार नहीं थी, अब तू उसके साथ रहने तैयार नहीं, बात क्या है? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो पहले भी वैसा था। जैसा तुझे आज मिला है ये तो पहले भी वैसे ही था, आज तुझे कमियां नजर आ रही है, पहले तुझे कमी नजर नहीं आई। यदि कमी पहले नजर आ जाती तो ये मामला नहीं, लेकिन दिल कहता है जब प्रेम होता है तो कमी नजर नहीं आती है, और जब दिमाग कहता है तब कमियां नजर आती है। कमियां दिमाग से देखी जाती हैं, दिल से नहीं देखी जाती हैं। तो फिर वो 6 महीने बाद वापस, अब वो जाने तैयार नहीं, अब लड़ाई भिड़ाई शुरू, अब केस चालू। अब बताओ, दिल से दिल लगाने में कितना कितनी दिक्कत हो रही है। ये दिल तेरे पिताजी, तेरी माता यदि जहां शादी करती वहां दिल लगा के रहती बाद में, तो आराम से जिंदगी कटती। अब तूने अपने आप ही पहले दिल लगा लिया, मामला सारा गड़बड़ हो गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नदी की तरह बहती हुई होती है। यदि उन्हें ना संभाला जाए तो 100 में से 70 लड़कियां तो बह ही जाती हैं, आपको पता चले और ना चले। तो जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा लिया, और जब दिल ज्यादा लग जाए तो दिमाग खत्म हो जाता। गए थे पढ़ाई करने के लिए, दिमाग तो बेचारा है, लगना था पढ़ाई में, लग गया किसी और काम में। अब दो ज्ञानी बात करेंगे तो आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, हैं? इसी तरह से दो भजन, जिनको भजन अच्छा लगता है गाना, और वो दो महिलाएं बैठी हैं, तो वो क्या चर्चा करेंगे आपस में? भजनों की चर्चा करेंगी। अरे ये नया भजन मिला, बहुत सुंदर भजन है, मैं सुनाती हूँ। वो कहेगी मैं सुनाती हूँ। दोनों एक दूसरे का सुनना चाहेंगी, कैसा है, इसकी तर्ज कैसी है, इसमें क्या भाव भरे हुए हैं, इसमें किसके लिए कहा गया है, वो सुनना चाहेंगे। जो बोलना जानता है वो सुनना भी जानता है, और जो बोलना नहीं जानता है, अरे बोलिए ना, अभी कोई यहाँ भजन सुनाने खड़ा हो जाए आपस में बातें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैंने पहले कहा, जो बोलना नहीं जानता है वो सुनना भी नहीं जानता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलना ना जाने मगर सुनना जाने, होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, ना बोलना जानते हैं और ना सुनना जानते हैं, और केवल अपने घर गृहस्थी की बातों में अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। और जबकि बोलने की शक्ति तो ऐसी है कि स्वर्ग बना दे, लेकिन इसी बोलने से नरक बना देते हैं। केवल बोलने ही तो सीखना है, नहीं नहीं आप कहोगे हमें बोलना आता है, हमारी माँ ने, हम तो जब 2 साल के थे ना, हम तो तब से बोल रहे हैं। हाँ, 2 साल के थे तब तो बोलना सिखाना पड़ा था, अब चुप करना सिखाना पड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारा खेल विचारों का है, सारा खेल इस वाणी का है। वाणी जितनी अच्छी होती है उतने वातावरण में सुगंध ही आ जाती है, खुशबू आ जाती है, अच्छा हो जाता है, महक जाता है वातावरण। और जितना कलेशी वातावरण होता है, जितना कलेशी जीव होता है, उतनी बदबू आती है। और आप देखना, ज्यादा कलेशी जीवों के शरीर से भी बदबू आती है, महसूस कर लेना। हाँ, नहीं ऐसा मत कहना, नहीं तो आप सबके सबको सूम के देखने लगो, माता जी ने कहा है और किसी में से आ रही तो तू तो कलेशी है, ऐसे मत करना। नहीं तो आप इस मामले में बड़े होशियार हो,
बुराइयां देखने में बहुत होशियार हो, बुराई कम देखना, अच्छाई ज्यादा देखना। आप यही तो सिखा रही हूँ मैं आपको, है। अब कवि है, मोटिवेटर है, नेता। नेता क्या करते हैं बोलिए, बोल गई तो वोट लेते हैं, बोल गई तो वोट लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई नेता बहुत अच्छा बोलता हो, बहुत अच्छा बोलता हो, लेकिन काम ना करे, दोबारा वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुश्किल है भाई। काम बिल्कुल नहीं किया, बोलता तो बहुत अच्छा है लेकिन काम नहीं करता है। मतलब वाणी तो अच्छी है मगर काम में दम नहीं है इसके। इसका मतलब काम भी चाहिए और वाणी भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए। विचारों में भी ताकत चाहिए और काम में भी ताकत चाहिए। और जो नेता अच्छा बोलता भी है और अच्छा काम भी करता है, जनता उसे दोबारा भी वोट देती है, लेकर आती है। भाई उसे काम भी चाहिए, अकेले मात्र बोलने से पेट भरने वाला तो नहीं है, लेकिन मात्र बोलने से भी पेट भर सकता है। जो मैंने अभी बताया मोटिवेटर, कभी बोलते ही तो है, मात्र बोलने से भी पेट भरता है और मात्र बोलने से भी पेट नहीं भरता है। आप किसी को वाणी का भोजन तो नहीं कराया जा सकता है। तो इसी तरह से और भी आप टीवी में देखिए, न्यूज पढ़ते हैं, क्या काम कर रहे हैं वो? केवल पढ़ने का काम तो कर रहे हैं, न्यूज को पढ़ने का काम तो कर रहे हैं, मगर न्यूज कैसे पढ़नी है, कैसे सुनानी है, पढ़ने मात्र से लाखों रुपए कमा लिए और तुम पढ़ते रहते कितना, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब पढ़ना भी सीखना पड़ेगा, बोलना भी सीखना पड़ेगा, सोचना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है सोच। जैसी सोच होती है वैसी वाणी होती है, जैसे विचार होते हैं वैसी वाणी होती है। जैसा टंकी में पानी होगा वैसी नल में आएगा। अब मुंह तो नल है, क्या है? मुंह तो नल है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है वो मुंह से निकल रहा है। सामने वाले को समझने के लिए, उसके दिमाग को पढ़ने के लिए वाणी को पढ़ लो, पता चल जाएगा कि वो क्या है, उसके दिमाग में क्या है। तो वाणी को, विचारों को अच्छा बनाने के लिए जीवन में जागृत होकर जीना बहुत जरूरी है। जो जागृत होकर नहीं जीता है उसका जीवन जीवन नहीं है। जो दिमाग से नहीं जीता है, कुछ प्राप्ति की कामना नहीं करता, प्रयास नहीं करता। अब आप कहोगे नहीं वो लोग तो बहुत ज्ञानी हैं इसलिए अच्छा बोल लेते हैं, हम थोड़ी इतने ज्ञानी हैं, ऐसा कह सकते हो आप हैं। किसी भी काम ने आपसे नहीं हो रहा हो तो बहाना आप 100 बनाने में बहुत होशियार है, और किसी चीज में होशियार हो ना हो बहाना बनाने में बोलो ना। हाँ, कोई गलती हो भी जाए ना तो मान नहीं सकते कि हमारी गलती है, वो ऐसे नहीं वो इसलिए हो गई है, वो ऐसे नहीं वो इसलिए हो गई है। चाहे तो मैं कुछ करना पड़े मगर गलती मानने तैयार नहीं हूं। और यदि उस गलती को निकालकर अच्छे विचारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़े तो वो करो ना करो, ये तो अब आपकी बात है। अब मुझे ये बताओ, जब लड़की छोटी होती है उसे रोटी बनाना आता है क्या? नहीं आता। फिर क्या किया था? सिखाया था। अच्छा, मतलब रोटी बनाना सीखना पड़ता है। अच्छा, बच्चा छोटा सा होता है उसे 1 2 3 4 नहीं आता है तो फिर क्या किया था? उसे भी सिखाया था। अच्छा, जब छोटे थे आप या थोड़े से स्कूल पढ़ रहे थे, थोड़े से बड़े हुए, आपको दुकान चलाना नहीं आता था, फिर क्या किया आपने? सीखा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब संसार में आके सीखना पड़ता है, और अच्छे विचार मन में ना हो तो क्या करना पड़ेगा कि बहाना बनाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं आप तो बहुत ज्ञानी है ना इसलिए आप तो कर लेते हैं, हम थोड़ी ज्ञानी है, सारी जिंदगी यही कहते रहो और निकाल दो सारी जिंदगी अपनी। क्या करना पड़ेगा बोलिए? जो मोटिवेटर है वो क्या जन्म से सारा सीख के आए थे क्या? नहीं, क्या किया था? सीखा था यहाँ आकर। हैं? जितने कवि हैं क्या वो जन्म से कविता बनाना सीख के आए थे? नहीं, तो यहाँ आके सीखी थी। हैं? इसी तरह से जब कवि, जब मोटिवेटर सीखते हैं तो आपको क्या करना है आप बताइए मुझे? अच्छा बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो सीख लोगे? अरे बोलिए ना। हैं?
अभी भी कोशिश करोगी? कोशिश वाले समझ जाती बहाना मार रहे हैं। मुझे तो संकल्प पे विश्वास होता है, कोशिश पे विश्वास नहीं होता है। अच्छे विचार, आप नियम लें, अपने घर में एक व्हाइट बोर्ड लगा लें, पेन रख लें, वहां डस्टर रख लें छोटा वाला, रोज एक नया विचार लिखें, चाहे अपने रसोई में लगा लें, चाहे ड्राइंग रूम में लगा लें, जहां आप बार बार जाते हो वहां लगा लें, और जो भी आपने प्रवचन सुना है उसमें जो बात आपको अच्छी लगी है वो उसमें लिख लें, उसे उस दिन का विचार बना लें, आज मुझे ये विचार करना, जब भी जाए उसे पढ़े, उस पर एक मिनट के लिए सोचे, वहां खड़े हो जाए, वही चर्चा पड़ोसन से करें, वही आपके घर में कोई है उनसे करें, ऐसे एक एक विचार यदि रोज अपने मन में डालेंगे, आप देखिए एक दिन का एक विचार तो 365 दिन के 365 विचार, और तुम्हारे पास यदि 365 विचार हैं तो आप बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़े विचारवान हैं। एक व्हाइट बोर्ड लगा ले, ज्यादा महंगा नहीं आता होगा मेरे ख्याल से, नहीं आता ना, तो मंगवा सकते हो। अरे बोलिए ना, मंगवा लोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन मंगवाएगा? अच्छा उसे बच्चों के लिए है, आप अपना अलग मंगवा लेने, बच्चे मिटा देंगे आपके बोर्ड को। हाँ तो हाथ उठाइए, आप आपके परिवार वालों ने उठा लिया क्या? अलग नहीं, आप दोनों में से एक मंगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में एक मंगवा लेना। हाँ जितने टीवी में देख रहे वो सब भी एक व्हाइट बोर्ड जरूर मंगवाएं अपने घर में, और रोज एक विचार लिखें। प्रवचन सुनते हो रोज आप लोग? मैं आपके घर आती हूँ, प्रवचन सुनते हो आप? नहीं, कुछ लोग सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, अब सुन लिया करो, है ना। मैं आपके घर में ही आके सुना दूंगी, आज की आगे की बात कल सुना दूंगी, ठीक है, शाम को 5:40 पे सुन लिया करो। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि एक एक विचार, नया विचार अपने मन में रोज डालो, जब आप उसे दिन भर पढ़ोगे तो आपके जो बुरे विचार है ना वो जाने शुरू हो जाएंगे, जो आपके लड़ाई झगड़े के, इधर उधर के सोचने के, निंदा के, और जो विचार आ रहे थे वो आपके इधर उधर हो जाएंगे, और जो विचार आपने लिखा है वो आपके घर अंदर आ जाएगा, और ऐसे विचार जब अंदर आने शुरू हो जाएंगे तो बुरे विचार अपने आप भागने शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है अच्छे विचारों को सीखना, जैसे रोटी बनाना सीखा, जैसे पढ़ना सीखा, जैसे आपने मोबाइल चलाना सीखा, जैसे आपने दुकान चलाना सीखा, ऐसे दिमाग को अच्छे विचार सीखने के संस्कार देने हैं। और मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, मैंने यहाँ यात्री निवास में सारे बिल्डिंगों में अच्छे अच्छे विचार लिखवा रखे हैं, आदमी किताब उठा के पढ़े ना पढ़े वहां जरूर पढ़ता है, जरूर पढ़ता है। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कॉपी पेन लेके, कुछ मैंने यहाँ लिखवा रखे हैं, इस वाली बिल्डिंग में भी लिखवा रखे हैं, कुछ बाबूजी तो आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये कुछ अपने दिमाग के लिए भोजन लेके जा रहे हैं, कुछ अच्छा भोजन लेके जा रहे हैं, हैं? संसार का बुरा भोजन खाते खाते थक गए हैं, इसलिए अच्छा भोजन करने इन्हें लग रहा है, इसलिए लेके जा रहे हैं। कुछ लोग तो मोबाइल क्लिक 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 है, हाँ करते हैं, इसका मतलब है कि ये दिमाग में अच्छा विचार डालना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ कितने दिन के लिए है, जाना तो घर ही है ना, और रोज नया विचार होना चाहिए। आपका घर छोटा सा है, आपको वहीं रहना है, तो आपके लिए बोर्ड ही काम करेगा, आपके लिए वो लिखने वाला काम नहीं करेगा, बोर्ड ही काम करेगा, और उस बोर्ड में जब रोज नया विचार रहेगा, देखो फिर कितना आनंद आता है। जितने लोग घर आएंगे, अच्छा आज मम्मी ने ये लिखा, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के, अच्छा आज मम्मी गुस्सा नहीं करेगी ऐसा लग रहा है, हाँ आज तो ठीक है, हो सकता परीक्षा हो जाए आपकी, है ना। तो ऐसे तुम्हारे मन भी अच्छा रहेगा, बच्चों का भी अच्छा रहेगा, दादा दादी घर में है उनका भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो एक बोर्ड घर में जरूर रखें, और उसमें रोज नया विचार लिखने के संस्कार आप पहले शुरू करें, धीरे धीरे बच्चे लिखना शुरू कर देंगे, फिर उनके बच्चे लिखना शुरू कर देंगे, ये परंपरा कितनी अच्छी होगी और आगे तक चलती रहेगी। करने में शोध का, नेता में बोर्ड का, और घर में लाने में बोर्ड का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और लिखने में रोज नए विचार का,
अनाज में चने का, गर्मी में पने का और नए विचार को सीखने का ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हैं? हाँ, आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में मंदसौर का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का और आपके खुश होने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके दोबारा आने का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, तुम लोग कुरावली से आए हो? अच्छा, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में कुरावली का बड़ा ही महत्व है। कायमगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में कायमगंज का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की। ओंकार जी नरे बंदे, ये दुनिया मकेली का जाल, क्यों डूबा बिसिया में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद्र दिनों का जी नरे बंदे, आखिर तेरा होगा जाना, कोई न साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल बंदे साथ तेरे ही जाएगा। धन दौलत से भरा खजाना, पड़े यहीं रह जाएगा। चंद्र दिनों का जी नरे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा। चंद्र दिनों का जी नरे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद्र दिनों का जी नरे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। जब लो आर का एक श्वास सस्ती भूषण माता जी की पहले आई थी, तब तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या एक नारी होकर इतना सुंदर काम करवा सकती है, लेकिन आज तो वाकई में मानना पड़ेगा कि हम नारी पुरुषों से कम नहीं है। और शानदार अतिशयकारी जो हमने आज मंदिर के दर्शन किए, रोम रोम पुलकित हो गया माता जी। ऐसा लग रहा है कि रात्रि विश्राम यहाँ पर क्यों नहीं किया। भाई साहब आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब बोले थे कि रात्रि में जाना तो वहां की जो छटा है वह देखने लायक है, लेकिन हमारे दुर्भाग्य थे कि हम रात को 9 बजे आए और हमें दर्शन नहीं हो पाए। और सोचती हूँ कि आज रात्रि रुक कर और माता जी के साथ रहकर यहाँ पर और इनका सानिध्य पाकर, इनका आशीर्वाद पाकर और रात्रि की यहाँ की छटा देखूं। शानदार अतिशयकारी माता जी। बहुत हर्ष हुआ कि मेरे को मुनीश्वर भगवान के और 24 ही जो हमने दर्शन करे वो ऐतिहासिक है। मैं पद्मावती मंडल के साथ आई थी, जब मैं हम लोगों ने यहाँ पर जब आए थे, जब बोला था कि हम वापिस दर्शन करने आएंगे आपको, नीलम पंड्या, इसलता, विनायिका, सबकी तरफ से मैं नमोस्तु बोलती हूँ। पिछले साल आए थे तो हम यहाँ रुके, गर्मी बहुत थी, हमने कहा एक भी पेड़ पौधा वगैरह कुछ भी नहीं है, इतना हरियाली कुछ भी नहीं है, कैसे यहाँ हरियाली में रहेंगे। और हम यहाँ 2 दिन रुके थे जो सचिन कासलीवाल की मम्मी में, तो हम यहाँ 2 दिन रहे, बिल्कुल भी नहीं था, हमारा पूरा परिवार आया और क्या मालूम कैसे बनेगा। और अब आज मैंने 1 साल के अंदर आके देखा, बहुत ही अतिशय हुआ, इतना बढ़िया मंदिर। अभी आज मैंने सबको मोबाइल पे दर्शन करवाए जी। स्वस्ति भूषण माता जी की जय, छुल्लिका माता जी की जय। माता जी आपको देख के ऐसा लगता है कि बस हमारे माता जी
बस जब कभी बात चलती है तो कहते हमारे माता जी मतलब बोल नहीं पाते आपको देख के बस। नौ महीने रह के आए झालरा पाटन बस आपको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं माता जी पाटन आएंगे। हाँ स्वस्ति भूषण माता जी का जो ये मंदिर है ये तो एक वाकई में एक कला है, कला ही क्या ये तो महाराज भगवान का आशीर्वाद भी है माता जी के ऊपर और माता जी का आशीर्वाद सभी पर है। इसलिए पहले भगवान का आशीर्वाद मिलता है फिर माता जी का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ की छटा देख देख कर तो मन ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाएं, माता जी का आशीर्वाद हो तो हम भी माता जी के चरणों में आ जाएं। फर्स्ट टाइम आए हैं मंदसौर से लेकिन जैसे ही इंटर किया यहाँ पे बहुत मतलब देखकर सब लोग इतना खुश हो गए, मंदिर को देखकर यहाँ की छटा को देखकर बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मंदिर में हम लोग रहा ही नहीं गया, हम लोग रात को आए लेकिन हमने बैग रखे और सबसे पहले हम लोग दर्शन करने को यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी मिली, मतलब सब खुश है, बहुत हैप्पी है और माता जी से मिलके और ज़्यादा अच्छा लगा। 2016 में आए थे निमाड़ महिला मंडल, वहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा था और हमने यही सोचा था कि हम बार बार यहाँ आएंगे दर्शन के लिए। हम गए साल भी पंचकल्याणक में आए थे और बहुत अच्छा लगा और अभी फिर हम दर्शन करने आए और यही सोच रहे हैं कि जनवरी में पूरा निमाड़ महिला मंडल आएगा मंदा में। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मार्क्सिस्ट शुक्ल पक्ष एकम से मार्क्सिस्ट शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी 16 दिवसीय पखवाड़ा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक चल रहा है। बंधुओं 16 दिवसीय पखवाड़े का विशेष महत्व होता है और ये अब की बार पड़ा है वर्ष के अंतिम महीने में, अंतिम दिनों में। कहते हैं अंत भला तो सब भला, इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व में शांति की कामना के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए जहाजपुर वाले बड़े बाबा अतिशयकारी मनुष्यनाथ भगवान के पावन चरणों में परम पूजनीय गणनीय आर्य का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इन 16 दिवसीय पखवाड़े में शांतिनाथ विधान और शांतिधारा आपके परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं। बंधुओं 16 ही दिन तक यहाँ पर आपकी प्रतिदिन शांति विधान होगा और आपके परिवार की ओर से शांतिधारा होगी। आप एक दिन के विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं जिसकी नौछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। आप स्वयं यहाँ आए और आप यहाँ आकर के विधान में बैठें, आपके लिए वस्त्रों की भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होगी। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार का नाम उस दिन के विधान के लिए और शांति धारा के लिए दे सकते हैं। बंधुओं ऐसा सुनहरा मौका मिला है वर्ष के अंतिम दिन और इस कोरोना महामारी कि वैक्सीन भी लगभग आने वाली है, उसके भी शायद हो सकते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं, बाबा के चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है। पीछे नहीं हटें, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें और मात्र 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से एक दिन के विधान के और शांति धारा के पुण्यार्जक बने। बंधुओं इस दौरान जिन जिन के नाम आएंगे उन सभी के विधान पुण्यार्जकों के नाम 1 जनवरी 2021 नव वर्ष की पहली शांति धारा में भी आप सभी के नाम बोले जाएंगे। तो देर नहीं करें और अपने नाम शीघ्रता से यहाँ के नंबर पे दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आने वाली 31 दिसंबर 2020 उस दिन 2020 को विदा करना है और 2021 का स्वागत करना है। 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे महाआरती के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम को 8 बजे से भक्तामर पाठ के साथ में एक रंगारंग भजन संध्या यहां पर होगी और रात को 12 बजे 2021 का आगाज के साथ ही स्वागत किया जाएगा भक्तिमय आरती के साथ में। बंधुओं 1 जनवरी 2021 को प्रातः 7:30 बजे से अतिशयकारी मनुष्यनाथ भगवान जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, पूज्य गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से विशेष शांति मंत्रों के द्वारा विशेष शांति धारा होगी। मुझे 21 पात्र चाहिए,
21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर होगी पूज्य माता जी के मुखारबिंद से। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के जो सच्चे और अच्छे भक्त हैं अपने परिवार की ओर से 1 जनवरी 2021 की शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 21,000 रुपये हैं। बंधुओं, 2020 को भूलना है और 2021 का स्वागत करना है। सब काम 21 होना चाहिए, 20 नहीं। तो मात्र 21 भक्तों के द्वारा 21 शांति धारा और 21,000 रुपये की न्योछावर राशि। तो शीघ्रता करें और आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।